नरसिंहपुर जिले की पुलिस चौकी आमगांव में देशभक्ति जनसेवा का नारा देने वाली पुलिस की वर्दी पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया। आमगांव पुलिस ने विभिन्न धाराओं में दोनों पुलिसकर्मी और परिवार के सदस्यों पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मामला चौंकाने वाला इसलिए है जहां पीड़ित युवती ने पति प्रवीण जेठ राजकुमार सहित परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए। अप्राकृतिक यौन शोषण के लिए उकसाने और पुलिस अधिकारी प्रवीण द्वारा कृत्य किए जाने का मामला उजागर हुआ। पुलिस ने आनन फानन में मामला दर्ज किया। मामला इतना संगीन है जिसने सुना होश उड़ गया। खाकी वर्दी पर रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। प्रवीण दुबे जो राजधानी भोपाल में उपनिरीक्षक के पद पर है, उसने अपने बड़े भाई पुलिसकर्मी इंदौर में पदस्थ राजकुमार दुबे कहने पर 11 माह पहले हुई अपनी शादीशुदा नई नवेली दुल्हन के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करता रहा और इसके पीछे जो कहानी सामने आई वो और भी गंभीर है। प्रवीण दुबे एसआई प्लाटून कमांडर बीएसएफ का विवाह महज 11 माह पहले आमगांव की एक युवती से हुआ था। दहेज का लोभी प्रवीण दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करता था और परिजनों कहने पर अप्राकृतिक यौन शोषण करता था। आमगांव की रहने वाली युवती ने तंग आकर थाने में गुहार लगाई और आवेदन दिया, जिस पर आमगांव पुलिस ने अपराध क्रमांक 473 धारा 498 ए 34 109 377 सहित विभिन्न धाराओं में दोनों पुलिसकर्मी और परिवार के सदस्य भवानी प्रसाद दुबे उषा दुबे राजकुमारी पाराशर अवनीश पाराशर पर मामला दर्ज किया। जल्दी गिरफ्तारी की बात कह रही है पुलिस। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। चौकी आमगांव में एक महिला द्वारा एक रिपोर्ट कराई गई है कि उसके पति के द्वारा जो है अननेचुरल सेक्स की उसमें रिपोर्ट है, तो पुलिस ने धारा 370 के अंतर्गत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और जो एफआईआर के जो कंटेंट्स हैं उसमें उनके जो जेठ और सास ससुर भी जो है उसमें आरोपी हैं। सर वहीं दूसरी ओर 498 भी कायम हुआ है, तो कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, तो क्या लग रहा है सर प्रथम दृष्टया क्या पूरा मामला निकल के सामने आया? देखिए इसमें हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी इसमें साक्ष्य आते हैं उसके अनुरूप इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रॉपर इसमें हम लोग लीगल ओपिनियन लेंगे जिसके ऊपर भी जो साक्ष्य रहेंगे और यदि चार्जशीट करने लायक इसमें मैटर रहेगा तो हम चार्जशीट करेंगे। सर वहीं आगे यदि हम बढ़ते हैं तो इसमें इस उक्त मामले में दो पुलिसकर्मी हैं, जो पति बताया जा रहा है वो एसएएफ में सब इंस्पेक्टर हैं, वहीं दूसरी ओर जो जेठ हैं जिन पर भी 377 के उकसाने के आरोप लगे हैं वो भी पुलिस में कॉन्स्टेबल हैं। सर दोनों पुलिस कर्मचारी हैं, ये बात सच है जी? इसमें जो दो आरोपी हैं वो पुलिसकर्मी हैं और उनकी एक की पत्नी के द्वारा ही आरोप लगाया गया है और दूसरे की छोटे भाई की पत्नी रहेगी वो, तो उनकी आपस में रिश्तेदारी भी है और इस संबंध में जो है यहाँ पे भी वो पोस्टेड हैं, उनको जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग सूचित इसमें कर दिया है और इसमें जो भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी होनी होगी वो रहेगी। क्या कहें सर, वर्दी को भी दावेदार किया है इन लोगों ने? देखिए अभी ये मामला विवेचना में है, अभी तक इसमें चार्जशीट नहीं हुई है, अभी उसके बाद ही हम लोग उसमें कुछ कह पाएंगे। सर पत्नी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, 15 तारीख का मामला दर्ज है लेकिन आज दिनांक तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि वो अभी इंदौर और भोपाल में सेवाएं दे रहे हैं पुलिस में। देखिए अभी हम लोग इसमें पहले सिर्फ हम लोगों के पास अभी एफआईआर है।